Welcome to SS Public School, Usri. Today we are going to learn mathematics for class 4, part 2, exercise 1B. Be strong. First है color to show the fraction. Fraction means होता है भी. इसमें आप लोग को color करना है x y y. इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मींस भी. ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर मींस होता है अंश और डिनोमिनेटर मींस हर. तो इसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शन किस प्रकार से दिया हुआ है. यहाँ 1/2 के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/4 है, यहाँ 2/6 है और 5/8 है. तो इसमें देखेंगे कि जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ होगा उतना ही आपका यहाँ पे पिक्चर में पार्ट होगा. यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पे पार्ट 2 है, 1 और 2, 2 पार्ट में है. यहाँ पे 3 है तो 1, 2, 3, यहाँ इसमें कितना पार्ट है 3 है. इसमें 4 है डिनोमिनेटर, इसमें पार्ट कितना है 4 है, 1, 2, 3, 4. इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है. लेकिन आप लोगों को कलर करना है तो किस प्रकार से करेंगे, पहले देखें क्या न्यूमरेटर कितना है. तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ न्यूमरेटर 1, यानी इस पार्ट में आप लोगों को 1 ही पार्ट को क्या करना है, कलर करना है. इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे. फिर नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ 2/3 दिया हुआ है फ्रैक्शन, यानी इसमें जो डिनोमिनेटर है 3 है, यानी इसमें पार्ट 3 है और यहाँ पे न्यूमिनेटर आपका 2 है, यानी इसको 2 पार्ट को क्या कर देना है, आपको कलर कर देना है. यानी इसको कोई भी 2 पार्ट को इसमें क्या कर देंगे, हम इसको अच्छा से कलर कर देंगे. अच्छा से आप लोग फिर कर दीजिएगा. फिर इसमें यहाँ पे 2/4 है, इसमें भी पार्ट 4 है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है. न्यूमरेटर इसमें 2 है, यानी 2 को हम क्या कर देंगे, कोई भी 2 पार्ट को इधर से करें या इधर से करें, कोई भी 2 पार्ट को हम इसको कलर कर देंगे. फिर नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ 2/6 पार्ट दिया हुआ है, यानी 6 डिनोमिनेटर आते हैं 6 पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे आपका न्यूमरेटर 2 दिया हुआ है, यानी कोई भी 2 पार्ट को आपको क्या कर देना है, इसको कलर कर देना है. फिर नेक्स्ट देखेंगे 5/8 है, तो 5/8 है तो इसमें भी 8 पार्ट दिया हुआ है आपको, लेकिन 5 न्यूमरेटर इसे क्या है 5 है, यानी 5 पार्ट को इसमें कलर कर देना है. इस प्रकार से आप लोग इसको कलर करेंगे. नेक्स्ट में है राइट टी, यानी ट्रू. इफ द फ्रैक्शन इज साइडेड करेक्टली, इफ नॉट राइट फॉल्स. एफ यानी फॉल्स. यहां पे देखेंगे कि आप लोग का फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/12, यानी यहां पे आपका जो पिक्चर होगा, जो पार्ट होगा यहाँ पे 12 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 पार्ट. इसका न्यूमरेटर आप लोग का कितना है 4 है. तो इसमें 4 क्या है, कलर किया हुआ देखेंगे पहले, अगर सही है तो क्या लिखेंगे ट्रू, है नहीं तो फॉल्स लिखेंगे. इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पार्ट को कलर किया हुआ है. यहाँ पे लिखे हुआ न्यूमरेटर कितना है 4 है, इसलिए क्या होगा रॉन्ग होगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे. फिर नेक्स्ट देखेंगे पिक्चर में, यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, फ्रैक्शन कितना है 3/4 है, इसमें 1, 2, 3, 4 4 पार्ट है, लेकिन इसमें कितना कलर किया हुआ है 1, 2, 3, न्यूमरेटर भी 3 है, यहाँ पे 3 पार्ट भी कलर किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है सही है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रू लिखेंगे. फिर नेक्स्ट है आप लोगों का 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पार्ट है, सही है. कलर किया कितना हुआ है 1, 2, 3, 4 4 पार्ट कलर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है रॉन्ग है. रॉन्ग है तो क्या लिखेंगे फॉल्स. नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे अलग अलग 4 पार्ट दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ये भी अलग है, 1, 2, 3, 4 ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, टोटल अलग अलग पार्ट दिया हुआ है. लेकिन एक पार्ट में यहाँ पे कितना पार्ट है आप लोग का 1, 2, 3, 4 वन पिक्चर में आप लोग का 4 पार्ट को 1 पार्ट क्या किया हुआ है कलर किया हुआ है. तो आप लोग का जो डिनोमिनेटर है 4 है, तो 1, 2, 3, 4 प्रत्येक जो पिक्चर है इसमें 4 पार्ट है, लेकिन फिर भी इसमें कलर कितना किया हुआ है 1 पार्ट को ही कलर किया हुआ है प्रत्येक पिक्चर में, इसलिए क्या है सही है. तो यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे ट्रू.
सेट ऑफ ट्रू। इस प्रकार से आप लोग तो समझ गए होंगे किस प्रकार से मान लीजिए कि नीचे भी जो है वो क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं। ये दोनों आप लोग नोटबुक पर नोट करके इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और सही से आप लोग कलर कर लेंगे पार्ट को। फिर नीचे आप लोग को होमवर्क भी दे दिए हैं कि कलर टू शो द फ्रैक्शन। आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए हैं और नीचे पिक्चर भी दिए हुए हैं। इसको जिस प्रकार से अभी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करके बनाया है उसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे इसमें पिक्चर में फिल करेंगे, आप लोग कलर इसमें फिल करेंगे और साफ साफ से अपने नोटबुक पर बना लेंगे। होमवर्क आप लोग का आज के लिए यही रहेगा।